Hey guys, thank you so much for coming back. कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी. चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट. आज का वीडियो अगेन बच्चा लोगों बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है. किन बच्चों के लिए? स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने डिसाइड कर लिया है बीबीए करने का या फिर बीएमएस करने का. देखिए दोनों का सिलेबस अगर आप कंपेयर करेंगे बीबीएस का बीएमएस का या फिर बीबीए का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, राइट? लेकिन आज के वीडियो में स्पेसिफिकली हम बीबीए को टारगेट करने वाले हैं. बीबीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस फुली एक्सप्लेन्ड करने वाला हूं मैं. जी हां, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं. क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, इन सब्जेक्ट में क्या है ऐसी खास बात, क्या साइंस का बच्चा टैकल कर सकता है बीबीए, क्या आर्ट्स का बच्चा टैकल कर पाएगा बीबीए को, ये सारे क्वेश्चंस आज के वीडियो में आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं. सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं बोर्ड पे. देखिए फर्स्ट ईयर जितने भी कॉलेजेस हैं थ्रू आउट द इंडिया में, ज्यादातर कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम चलता है. पहले एनुअली होते थे, आजकल ज्यादातर कॉलेजेस में साल में दो एग्जामिनेशन होते हैं. एक जून जुलाई में होता है अगर आपका सेशन मार्च में स्टार्ट हो रहा है तो, एक जून जुलाई में होता है, एक नवंबर दिसंबर में होता है. ईयर एंड में आपके एग्जामिनेशन होते हैं. तो आपका जो बीबीए का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो दो सेमेस्टर में डिवाइड होता है, सेमेस्टर वन और सेमेस्टर सेकेंड, राइट? अगर आप जनरल कर रहे हैं तब भी आपका यही ऑलमोस्ट सिलेबस रहता है. अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं किसी भी स्पेशलाइजेशन में तो आपको सेकेंड ईयर में वो स्पेशलाइजेशन चूज करने का मौका मिलता है, राइट? आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीबीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस. ऑलमोस्ट हर कॉलेज में ये सिलेबस सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट हर कॉलेज में. कई कॉलेजेस में डिफर हो सकता है. एक सब्जेक्ट का मतलब सेकेंड सेम का इधर सब्जेक्ट, फर्स्ट सेम का इधर आ गया, सेकेंड सेम का जो सब्जेक्ट था वो थर्ड सेम में आ गया. थोड़ा बहुत सब्जेक्ट का इधर उधर हो सकता है लेकिन जो फंडामेंटल्स रहते हैं ना सब्जेक्ट के, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट जो रहते हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, राइट? चलिए सेमेस्टर फर्स्ट में देख सकते हैं आप 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने मिलते हैं, पढ़ने का मौका मिलता है या फिर सहने पड़ते हैं, राइट? सेमेस्टर क्या होता है, सेमेस्टर सेकेंड में आपको अगेन 6 सब्जेक्ट आपको फेस करने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं. फर्स्ट क्या है, देखिए सेमेस्टर फर्स्ट में पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या? अगर आपके पास क्लास 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड था और अकाउंटेंसी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपके लिए ये बहुत ही इजी रहेगा. 60% 70% आपने जो 12th लेवल पे पढ़ा है ऑलमोस्ट सेम आपको देखने का मौका मिलेगा. लेकिन सर हमारा जो साइंस बैकग्राउंड था, आर्ट्स बैकग्राउंड था तो हम कैसे ये फेस करें? टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है. देखिए बीबीए में ना जितने भी बच्चे बीबीए करते हैं वो सारे कॉमर्स के नहीं होते, 50% कॉमर्स के होते हैं, 25% साइंस के भी होते हैं, 25% आर्ट्स के भी होते हैं. सो जो टीचर रहता है वो सबको इक्वली ट्रीट करता है. ऐसा नहीं यार कॉमर्स के बच्चे हैं तो भैया हाथ खड़े कर दो, कॉमर्स वाले ज्यादा है चलो उनकी प्रेफरेंस चलेगी, आपने पढ़ा हुआ है तो छोड़ो मैं मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा देती हूँ फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता. आपको बेसिक लेवल से बिल्कुल स्टार्ट करा जाता है, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या नहीं है, साइंस के हैं आर्ट्स के, मतलब इक्वली जैसे बेसिक लेवल से होता है वैसे ही आपको अकाउंटेंसी जो होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है. वो अलग बात है कि अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा यार ये रिवीजन चल रहा है, मतलब मैंने पहले पढ़ा हुआ है, वापस से ये चीजें रिकॉल हो रही है. साइंस और आर्ट्स वालों के लिए ये चीजें नहीं होगी. देखिए करना क्या है, साइंस और आर्ट्स वालों के लिए अच्छे से सुनिएगा. अगर आपको लगता है कि यार ये वो सब्जेक्ट हैं जहां पर मैं वीक हो सकता हूं तो टीचर का बहुत ज्यादा दिमाग खाइए इन द सेंस क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछिए. कॉलेज में चीजें समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि हमारा जो रवैया रहता है बहुत ही लाइट रहता है, कर लेंगे, पूछ लेंगे फ्रेंड से, उसका कॉमर्स बैकग्राउंड है उससे मैं क्वेश्चंस वगैरह पूछ लूंगा. नहीं यार, टीचर हैं, फीस दे रहे हो, पूरी माथा खाओ उनका, राइट? जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं उन टीचर्स से आपको सॉर्ट आउट करने हैं, राइट? ताकि टीचर्स को भी लगे यार बच्चों को इतनी समझ नहीं है अकाउंटेंसी की इसलिए मुझे बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? ये बहुत बच्चे गलती करते हैं और हम जैसे टीचर्स वगैरह यही बात का फायदा उठाते हैं कि यार कॉमर्स वाले ज्यादा बच्चे हैं चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ गया समझ में, दो तीन बच्चे बोलते हैं हाँ सर आ गया, हाँ मैम आ गया, आगे बढ़ जाते हैं. नहीं, जब तक समझ में नहीं आए जब तक टीचर का माथा खाइए, राइट?
राइट, बेसिक लेवल से बिल्कुल स्टार्ट करेगा टीचर, ताकि उसको भी पता लगे कि यार साइंस के भी बच्चे हैं, आर्ट्स के भी बच्चे हैं, बेसिक लेवल से मुझे स्टार्ट कराना है, राइट। तब आपको कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं होगी। और बच्चे देखिए, आप कॉलेज में कोचिंग नहीं लोगे फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, मेजोरिटी ऑफ द बच्चे नहीं लेते हैं, सो आपका सब कुछ जो है वो टीचर है, टीचर से जितना फीडबैक ले सकते हैं, जितने क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं पूछिए, समझ में आ रहा है, राइट। अच्छा, अकाउंटेंसी होता है जो आर्ट्स और साइंस वाले बच्चे हैं, 70-80% यहां पर प्रैक्टिकल होता है, नंबर्स वगैरह का खेल होता है, कैलकुलेशन वगैरह का खेल होता है, और 20% से 30% तक हमारी थ्योरी रहती है, मेजोरिटी ऑफ द जो वर्क होता है वो प्रैक्टिकल रहता है, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी, चाहे से साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स होती है, राइट। तो इकोनॉमिक्स में अगर परसेंटेज देखा जाए तो 60% प्रैक्टिकल रहता है, 40% हमारा थ्योरी रहता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर हार्डकोर प्रैक्टिकल नहीं होता, हार्डकोर थ्योरी नहीं होता, ये अंडरस्टैंडिंग बेस पे होता है, इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, एक जो पर्टिकुलर आप और मैं हैं, कंज्यूमर्स हैं, एक इंडिविजुअल्स है, उसकी नीड, डिजायर, वॉन्ट क्या है, वो क्या चाहता है मार्केट से, मार्केट कैसे चलता है, राइट, प्राइस क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, डिमांड क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स के फंडे होते हैं। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे स्टडी करना, इसका जो बड़ा भाई है मैक्रो, वो आपको सेकेंड सेमेस्टर में दिखता है, राइट। आगे है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पूरा थियोरिटिकल 100% थियोरिटिकल, प्रैक्टिकल जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, राइट। प्रिंसिपल्स आते हैं, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, F.W. टेलर के पढ़े होंगे, उन्हीं प्रिंसिपल को एक्सटेंड करते हुए 4-5 और जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके यहाँ पर आपको मैनेजमेंट थिंकर्स के आपको प्रिंसिपल्स दिखने वाले हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरा हमारा थ्योरिकल सब्जेक्ट पड़ेगा, आर्ट्स वालों को भी मजा आएगा, साइंस वालों को भी नया कुछ सीखने को मिलेगा, और कॉमर्स वालों ने बहुत कुछ इसमें से पढ़ा होगा और नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा, राइट। आगे है इंडिया सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, अगर आपके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक्स को दो पोर्शंस में डिवाइड कर रखा है ना, एक माइक्रो है, मैक्रो है, फिर हमारे स्टेट्स आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आती है हमारा 11th-12th में, CBSE और स्टेट बोर्ड में अलग अलग क्राइटेरिया बना रखा है, कई जगह माइक्रो है, स्टेट्स है, मैक्रो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, राइट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था ना, वो सारा फंडा यहाँ पर आपको सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर थ्योरिटिकल रहने वाला, ऑलमोस्ट 90% थ्योरिटिकल रहने वाला है, प्रैक्टिकल जैसा एस्पेक्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सोशियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा, मतलब अलग अलग कंट्रीज के बीच और इंडिया और अलग अलग कंट्रीज के बीच क्या रिलेशनशिप है वो देखने को मिलेगा, और इंडिया का इकोनॉमी कैसे डेवलप करी थ्रू आउट द ईयर, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद, फिर आपका इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आया, 1991 का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स आई, वो सब कुछ देखते 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 आज का जो सिनारियो है इकोनॉमिक का, वो आपको इसमें पढ़ने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है QT, क्वांटिटेटिव टेक्निक बोला जाता है, इसके दो पार्ट्स होंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, पार्ट सेकेंड आपको सेमेस्टर सेकेंड में देखने को मिलेगा। QT हमारा बच्चों वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल या टफ सब्जेक्ट रहने वाला है बच्चों के लिए, चाहे से आप कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, या फिर साइंस के हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पसंद है तो ये बहुत पसंद करेंगे आप इस सब्जेक्ट को, लेकिन अगर प्रैक्टिकल आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपके लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड रह सकता है। टेक्निक वही अपनानी है, टीचर्स का दिमाग खाना है, जितने भी क्वेश्चन हो सके पूछिए, क्लासरूम में ही सारे डाउट्स आपको सॉल्व करने हैं, ताकि नेक्स्ट जब क्लास हो उस टीचर की तो आप सारे डाउट अपने उनसे पूछ सके, राइट। क्वांटिटेटिव टेक्निक 80-90% प्रैक्टिकल रहने वाला है, अकाउंटिंग की तरह ही, और इंटरेस्टिंग इसमें थ्योरीज वगैरह होती है, राइट। शुरू से अगर पकड़ बनाएंगे, बेस अगर स्ट्रांग रखेंगे, तो सेकेंड सेम में भी आपको मदद मिलेगी, राइट। Essentials of IT आने वाला है, राइट। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स के बारे में, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, वैसा ही फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर जो न्यू एज कंप्यूटर जनरेशन है, 21st century में कंप्यूटर के क्या यूजेस हैं, क्या क्या हम कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से अचीव कर सकते हैं बिजनेस में, मैनेजमेंट में, वो हम इस पे पढ़ने वाले हैं, राइट। फिर बढ़ते हैं हम सेमेस्टर सेकंड में, राइट। बैक ना लगे, बहुत बढ़िया बात है, सिंपल सा फंडा क्या है,
देखिए कॉलेजेस के एग्जामिनेशन क्लियर करने का थोड़ा सा फंडा अलग होता है, आपको थोड़ा सा राम कथा महाभारत ज्यादा लिखनी पड़ती है, लंबे चौड़े आंसर लिखने पड़ते हैं। यहां पर अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग स्कीम है, 20 मार्क्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो नियर अबाउट 6 to 7 पेजेस आपको फिलअप करने पड़ते हैं। वो सारे टीचर्स आपको बता देंगे, राइट, मैं अलग से कुछ वो नया नवेला नहीं बताने वाला हूं, वो टीचर्स आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे आपको आंसर फ्रेम करना है, क्या लिखना है। फिर भी मेहनत करिए, स्पेशली बच्चे कॉलेज में आके बहुत ही ज्यादा फ्रीडम में आ जाते हैं, लीनियंट हो जाते हैं, पढ़ते नहीं है, लेकिन ये नहीं करना है आपको, डेडिकेटेड रहना है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा फेवरेट कोट है, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। आप जैसे कोई भी एक चीज करते हैं ना, वैसे थ्रू आउट द लाइफ आप कोई भी चीज करते हैं, सो जो चीज भी कर रहे हैं उस पर अपना 100% दीजिए। अगर आप स्कूल में 90% होल्डर थे, तो कोशिश करिए कॉलेज में भी आप इतने अच्छे परसेंटेज ला पाए, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, जैसे मैंने बताया माइक्रो का बड़ा भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको सेकेंड सेमेस्टर में देखने को मिलता है। मैक्रो मतलब होता है बड़े लेवल पे इकोनॉमिक की स्टडी करना, यह छोटे लेवल पे था, यहां पर है बड़े लेवल पे इकोनॉमिक की स्टडी करना, राइट। यहां पर बड़े बड़े इकोनॉमिक इश्यूज वगैरह को हम, जैसे मैक्रो में होता है इंडिविजुअल एक इंसान की स्टडी करना, एक फर्म की स्टडी करना, वैसे मैक्रो में होता है एग्रीगेट लेवल पे, ग्रुप लेवल पे स्टडी करना, नेशनल इनकम के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारे किसमें आते हैं हमारे, हमारे आते हैं मैक्रो में, राइट। क्वांटिटेटिव टेक्निक सेकेंड आ जाता है यहां पर, माइक्रो मैक्रो क्यूटी फर्स्ट और क्यूटी सेकेंड, अगेन प्रैक्टिकल पूरा वही रहता है। बेस देखिए फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट से बेस स्ट्रांग रखना पड़ेगा, तब जाके क्यूटी सेकंड समझ में आएगी, अगर ये समझ में नहीं आई तो वो समझ में नहीं आने वाली है, एज सिंपल एज दैट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ध्यान से पढ़िएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन भी होता है, इस नाम से भी कई कॉलेजेस में होता है, बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बीबीए के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, राइट, आपके रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन को ये सब्जेक्ट इंप्रूव करेगा, सो स्पेशल एम्फेसिस, स्पेशल अटेंशन पे करना है। और टीचर्स अगर अच्छा हुआ, इसका टीचर अगर अच्छा हुआ इस सब्जेक्ट का, तो सोने पे सुहागा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा, आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा कम्युनिकेशन स्किल को कैसे स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है, राइट। चलिए कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग था वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी से रिलेटेड होता है, बेसिक लेवल से आपको स्टार्ट करना है, टीचर आपको स्टार्ट करेगा, शुरू से ही कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं, 80 to 90% यहां पर प्रैक्टिकल ही रहता है। फिर आता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, यहां पर देखिए बिजनेस एनवायरमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जैसे लीगल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, राइट। तो ये सारे क्या है, ये ऐसे एनवायरमेंट है जिसपे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एनवायरमेंट में, जहां पर पॉलिसीज है, लेवल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो तो वो सारी नॉलेज आपको दी जाती है कि दोनों को कैसे मैनेज करना है, कैसे अडेप्टेबल बनना है, कैसे फ्लेक्सीबल बनना है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, वो सारी चीजें आपको बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, पूरा ये भी हमारा थ्योरेटिकल है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पूरा थ्योरेटिकल, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग भी पूरा थ्योरेटिकल रहता है हमारा, राइट। तो देख सकते हैं, मत चलो आप पूरा थ्योरेटिकल नहीं है बीबीए, पूरा प्रैक्टिकल नहीं है, 6 में से 2 सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे, एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मिलेगा, एक थोड़ा सा कम प्रैक्टिकल मिलेगा, ऑलमोस्ट और सारे सब्जेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल मिलेंगे, मतलब मैनेजेबल है, ऐसा नहीं कि यार बहुत हार्ड कोर्स है मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सर बैक लग रही है, हमारे पास नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं होता है, राइट। ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट आपको देखने के मिल रहे हैं यहाँ पर, राइट, या आपके सिलेबस में, वो मैनेजेबल हैं, लेकिन शुरू से अटेंशन रखनी है, जितनी सीरियसनेस आपने अपने बोर्ड को दी है ना, उतनी सीरियसनेस आपको बीबीए को देनी पड़ेगी, तब जाके अच्छा प्लेसमेंट हो पाएगा। पहले से क्लियर कर दूं, कई बच्चे बोलते हैं या कई बच्चे कमेंट करेंगे इस वीडियो के ही नीचे या बहुत सारे वीडियोस के नीचे जो आप देखते होंगे, कि सर बीबीए कर लिया कुछ नहीं होता, जॉब नहीं लगती, सर बीकॉम कर लिया, बीसीए कर लिया, एमबीए कर लिया, जॉब नहीं लगती। रीजन यही है, पूरे 2 साल आपने मस्ती मजाक करा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इंटरव्यू में जाते हो तो कोई नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की, रीजन यही है, राइट। तो शुरू से अपने बेसिक क्लियर रखो, स्टडी पे फोकस करो, कॉलेज टाइम मस्ती मजाक का नहीं है, ये वो टाइम है जहां पर आपका कैरियर डिसाइड होगा आगे जाके, राइट। सो जितना फोकस आपने बोर्ड एग्जामिनेशन पे करा है, उतना ही आपको कॉलेज में भी फोकस करना है, ताकि आपको आगे जाके हेल्प मिले। उम्मीद कर रहा हूं आपको फर्स्ट ईयर बीबीए का सिलेबस पूरा क्लियर हो गया होगा, और किस सब्जेक्ट का और किस
कोर्स का जो आप करने जा रहे हैं उसका सिलेबस आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन चेक ऑन करना मत भूलिएगा, बहुत कुछ है खास आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना आएगा। थैंक यू सो मच।